नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। ललितपुर जिले की तालबेहट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नसबंदी के दौरान एक ग्रामीण महिला की गलत नस कटने से ब्लड का रिसाव हुआ। हालत गंभीर होने पर आनन फानन में ललितपुर जिला चिकित्सालय भिजवाया गया, वो भी बगैर रेफर किए, जहां ललितपुर जिला चिकित्सालय में उसका इलाज जारी है और हालत स्थिर है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा जांच कराकर नसबंदी टीम पर कार्रवाई की जाएगी। ललितपुर जिले के तालबेहट स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का ये मामला है। कौशल लेना पवासी, क्या हुआ आपके साथ? दीदी ऑपरेशन करवाया था, से नस कट गई। कहाँ करवाया था? तालबेट। हम पवा से आए, मंगल कुशवा हैं, हमारी पत्नी को हम ऑपरेशन करने के लिए वाले आए तालबेट केंद्र। कौन भर्ती किया गया? हम ढाई घंटा इंतजार किया, हालत बिगड़ गई, नस कट गई, रेफर कर दिया, कागज दिए नहीं, डॉक्टरों की लापरवाही से क्या मालूम किस की नस कट कौन सी कट गई, हमें पता नहीं सर। क्या गलत नस कट गई? हाँ सर, गलत नस कट गई। हमारा नाम नारायण कुशवाहा है, ये हमारी साराज हैं, तालबेट से है। इनका नसबंदी का ऑपरेशन के लिए गए थे तालबेट, तो उनका नसबंदी का ऑपरेशन करवाया। इसके बाद डॉक्टर लोगों ने लापरवाही से उनकी नस दूसरी काट दी है, तो हम लोगों को पता चला कि अभी तक मरीज होश में नहीं आया है। किसने बताया आपको नस दूसरी? डॉक्टर लोगों ने ही बताया, तो हम लोगों ने सोचा कि अभी चलो थोड़ी देर में होश में आ जाएंगी। कब की बात है ये? कल की बात है, सुबह की। कितने बजे? 11-12 बजे की बात है। तो इसके बाद आप कहां? तो वो शाम तक होश में नहीं आई, तो हम लोगों ने पूछा कि क्या होगा, तो कल उसकी वो बाथरूम वाली कोई नस कट गई है और खून जाना बह रहा है, इसलिए हम आपको ललितपुर रेफर करने रहे। तो रेफर का कोई कागज भी नहीं दिया, तो एम्बुलेंस जैसे तैसे बहुत देर में आई, इसलिए और चक्कर में लेट हो गया शाम तक, फिर थोड़ा होश में आई हैं, यहाँ कोई पता नहीं चल रहा, बस सीधे बोतल लगा के जा रहे हैं। डॉक्टर लोग ना बता रहे हैं क्या स्थिति है, अब यहाँ 3-4 दिन रुकेंगे तो हमारा खर्चा कौन उठाएगा, मजदूर आदमी है सर, अगर मरीज को कुछ होता है तो यहाँ के डॉक्टर लोग, वहाँ के डॉक्टर लोग जिम्मेदार होंगे। डॉक्टर साहब ने देखा क्या, कहा कैसी हालत है? कहा तो उन्होंने कुछ नहीं, बस उन्होंने यही कहा कि चलो दवाई हो रही है, और उन्होंने ये नहीं कहा कब छुट्टी होगी कब क्या होगा। अभी हालत इनकी कैसी? अभी भी हालत खराब है सर, उस बाथरूम से खून आ रहा है और अभी मरीज की स्थिति हालत खराब हो रही लग रही है। तो अभी आपने डॉक्टर को सूचित नहीं किया? नहीं नहीं किया सर, बस वो देख के चले गए, उन्होंने कुछ कहा भी नहीं है जाना कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी मरीज की स्थिति खराब है, अगर कोई होता है तो इसकी जिम्मेदार डॉक्टर लोग होंगे यहाँ के और तालबेट के। एक्चुअली मेरी जानकारी में आया है कि तालबेट में ड्यूरिंग TT ऑपरेशन एक यूरिनरी ब्लैडर में कोई माइनर कट लगा था, उससे ब्लीडिंग हुई, लेकिन तुरंत उस पेशेंट को हमने जिला अस्पताल ललितपुर शिफ्ट किया, वहाँ पे सर्जन द्वारा उसको मैनेज किया गया, तुरंत ही पेशेंट स्टेबल भी हो गया। इस समय पेशेंट बिल्कुल ठीक है, सारे वाइटल्स मेंटेन हैं, कहीं कोई ब्लीडिंग नहीं है। इसके अलावा जिस डॉक्टर के द्वारा ये गलती हुई है उसके विरुद्ध हमने एक इंक्वायरी बिठा रहे हैं, ताकि भविष्य में इस चीज़ की कोई पुनरावृत्ति ना हो।